क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कॉनिकल शेप है जिसकी हाइट और रेडियस सबके इक्वल है, रेडियस दोनों का सेम है, दोनों का रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है, हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई, आपको ये बताना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन की कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। अगर ये सारे फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, अगर आपको फार्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को गलत करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 1/3 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ सकता है और आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, बचेगा क्या इधर एच, और इधर क्या बचेगा 2r बचेगा, क्या बचेगा 2r, ठीक है। अच्छा इसमें वैल्यू पुट करें, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/3 पाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 22/7, आर की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और आपका हाइट कितना है 1 सेंटीमीटर प्लस 2r कितना हो जाएगा 1 एंड 1 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1/3 इंटू 22/7 और इधर कितना हो जाएगा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू में निकालना है तो 22/7 की वैल्यू आ रही है। अगर आप चाहो तो इस पाई की वैल्यू को चेंज भी ना करो, इस पाई की वैल्यू को एज इट इज रख सकते थे, इसका मतलब यहां पर आप पाई रख सकते हो, ये कितना आ रहा है 22/7 आ रहा है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू होती है पाई की होती है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है पाई सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, बात क्लियर है। तो इन द टर्म्स ऑफ पाई निकालने के लिए बोला था, तो आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब ही आंसर है।